सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने गोरखपुर लोकसभा निर्वाचन 2019 में अभिषेक चंद को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अभिषेक चंद ने शनिवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से मुझे प्रत्याशी घोषित किया गया है। चुनाव में पार्टी का मुख्य मुद्दा 27% आरक्षण को पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा में वर्गीकरण करके उन जातियों को लाभ दिलाना है जिनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। दूसरा मुद्दा शराबबंदी होगा। इस दौरान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष पवन राजभर, अनोखे लाल, केशव राजभर, अखिलेश राजभर, मदन राजभर सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अभिषेक चंद ने कहा, जिस पार्टी से मैं लड़ रहा हूँ उसका जनाधार यहाँ 3 लाख। गोरखपुर विकास करने के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। यहाँ पे सबको यह अवगत कराना है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने निर्णय लिया है कि गोरखपुर लोकसभा से मुझे अभिषेक चंद सिंह जी को यहाँ से गोरखपुर लोकसभा 64 से यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया है। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक सार्वजनिक एक ऐलान किया जा रहा है कि यहाँ से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इसमें प्रमुखता जो मुद्दे होंगे वो 27% आरक्षण, 3 भागों में वर्गीकरण करके, पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं सर्वाधिक पिछड़ा करके इनको 3 भागों में बांटा जाए जिससे उन जातियों को लाभ मिले जिनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। और दूसरा मुद्दा हम लोगों का होगा शराबबंदी का। जब बिहार जैसे गरीब राज्य में और गुजरात और बाकी अन्य राज्यों में भी शराबबंदी हो सकती है तो यूपी में क्यों नहीं हो सकती है, जिससे कि क्राइम रेट बहुत ही ज़्यादा गिर जाएगा। तीसरा हम लोगों का मुद्दा है कि जो प्रारंभिक स्कूलें हैं जिसमें आज भी बच्चे जो है नीचे बैठते हैं, बोरा पे बैठते हैं, उनको कम से कम बेंच की सुविधा और बाकी सुविधाएं मुहैया कराई जाए, मुफ्त में शिक्षा मुहैया कराया जाए उसके लिए। और जितने IAS इंस्टीट्यूट हैं जो तैयारी करवाते हैं बच्चों की, जो गरीब बच्चे नहीं कर पाते हैं या जो सवर्ण के चाहे वो बाकी भी बिरादरियों के जो बच्चे नहीं तैयारी कर पाते हैं, उन बिरादरियों को भी मुफ्त में वहाँ पे वो 21 जो संस्थाने हैं उसमें उनको शिक्षा मुफ्त दी जाए जिससे वो भी IAS PCS बन सकें।